एक सकारात्मक व्यक्ति और एक नकारात्मक व्यक्ति के बीच क्या अंतर होता है? What is the difference between a pessimist and an optimist? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। वो कहते हैं, एक सकारात्मक व्यक्ति और एक नकारात्मक व्यक्ति में बहुत ही छोटा सा अंतर होता है। एक नकारात्मक व्यक्ति किसी भी समस्या को देखकर या किसी भी काम को देखकर यह कहेगा कि ये मुमकिन है लेकिन कठिन है, और एक सकारात्मक व्यक्ति उसी कठिन काम को देखकर कहेगा कि ये कठिन है लेकिन मुमकिन है। इसीलिए जरूरी है कि आपका नजरिया कैसा है। आप अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कठिनाइयां, समस्याएं, ये सभी आपके जीवन में आएगी। लेकिन अगर आपको सफलता चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी होगी। आपको यही सोचना होगा कि ये कठिन है लेकिन मुमकिन है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी यही कहता है, आई एम